ठीक है आज वेलकम बैक ऑन एक एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी बढ़िया वैकेंसी निकल के आ रही है SKIMS की तरफ से। तो इसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, वो सारी डिटेल यहाँ पे इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम एक PDF बना लिया, उस PDF पे चलते हैं, वहाँ से आपको डिटेल जानकारी बताते हैं, फिर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको सारी डिटेल कंफर्म करवा दूंगा। अब देख लीजिए यहाँ पे डिटेल ऑफ SKIMS मेडिकल कॉलेज रिक्रूटमेंट है 2020 का। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो ये है सेराय कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। यहाँ पे जॉब टाइप की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। अटैचमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए जॉब कौन कौन सी यहाँ पे निकाली गई, तो जूनियर असिस्टेंट की जॉब है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की जॉब है, लिफ्ट मैकेनिक की जॉब है, पेंटर ऑटोमोबाइल की जॉब है, उसके बाद ड्राफ्टमैन की जॉब है, वर्क सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट, कुक एंड अदर पोस्ट भी यहाँ पे जॉब निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 183 टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। जॉब लोकेशन आपका श्रीनगर में रहने वाला है। अदर स्टेट वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लोकल कैंडिडेट ही केवल अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 1 जुलाई 2020 रखी गई है। इसका जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई 2020 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कह लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहने वाली है और सैलरी इसमें क्या आपको मिलेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहली पोस्ट है वो है न्यूट्रिशन एडुकेशनिस्ट की पोस्ट है। इसमें 3 वैकेंसी है और सैलरी यहाँ पे 35,900 से लेकर के 1,13,500 यहाँ पे रखी जाएगी। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे 15 वैकेंसी और सैलरी यहाँ पे 25,500 से लेकर 81,100 यहाँ पे रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की बात करें तो 2 वैकेंसी और सैलरी यहाँ पे 19,900 है। उसका लिफ्ट मैकेनिक की बात करें तो 2 वैकेंसी है। पेंटर ऑटोमोबाइल की बात करें तो 1 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। ड्राफ्टमैन की 1 वैकेंसी है। उसके बाद वर्क सुपरवाइजर की 2 वैकेंसी, उसके बाद टेक्नीशियन की 67 वैकेंसी जिसकी सैलरी 25,500 से 81,100 रखी गई है। अगला है आप देख सकते हैं इसी तरह काफ़ी सारे पोस्ट यहाँ पे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा सारा पोस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये नोटिफिकेशन में आपको मैं यहाँ से कंफर्म करवा दूंगा ये सारी डिटेल, ठीक है। तो काफ़ी सारे पोस्ट यहाँ पे निकालेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 183 यहाँ पे पोस्ट निकालेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे अगर आपने 10th पास किया उनके लिए भी पोस्ट है, उसके बाद 10+2 है यानी 12th पास है तो भी पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ITI, BA, BSc सबके लिए यहाँ पे, डिग्री इंजीनियरिंग MSc किया हुआ है तो सबके लिए यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। तो उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन से हम चेक यहाँ पे करेंगे। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स। बाकी जो है एज लिमिट रिलैक्सेशन के बारे में हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वहाँ पे चेक कर लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन यहाँ लिया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो आपको ऑनलाइन ही केवल अप्लाई करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फी यहाँ पे 500 रुपये रखे गए जो कि ऑनलाइन पेमेंट आपको करने पड़ेंगे। तो चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको कैरियर सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद जो है एक विंडो खुल के आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं अटैचमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अटैचमेंट खुल के आ जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल जारी किया गया है वो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपके यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में सारी डिटेल हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। अब देखिए इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका मिनिमम एज जो है आपका 18 ईयर्स है और बाकी एज में रिलैक्सेशन जो भी मिलना था वो यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में। तो इसको आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करके। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ये फॉर्म फिलअप आपको करना है जो कि 27 जुलाई 2020 तक आप कर सकते हैं। 1 जुलाई से स्टार्ट है इसका फॉर्म फिलअप। उसके बाद यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट इसमें दिए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप देख लीजिए कितने साइज में आपको फोटोग्राफ्स यहाँ पे रखने जो अपलोड करने होंगे, सिग्नेचर सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप से रिलेटेड एप्लीकेशन फी 500 रुपये यहाँ पे लगेंगे आपको, यहाँ पे जैसे कि मैंने बता दिया पहले ही। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है। तो चलिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं जो कि यहाँ पे कंफर्म मैं करवाने वाला हूँ आपको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद यहाँ पे आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ। अब यहाँ पे देख लीजिए नेम ऑफ द पोस्ट न्यूट्रिशियन एजुकेशनिस्ट की पोस्ट है। इसमें लेवल 6 की सैलरी आपको मिलने वाली है। 3 पोस्ट है और यहाँ पे MSc फूड एंड न्यूट्रिशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और डिजायरेबल है अगर इसमें से कोई तो आपको जो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। जूनियर असिस्टेंट लेवल 4 की सैलरी है।
15 पोस्ट है, इसमें बात करें ग्रेजुएशन है किसी भी जो है आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद नॉलेज ऑफ टाइप राइटिंग। ठीक है, टाइप राइटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, हैविंग नॉट लेस देन 35 वर्ड स्पीड पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए। और यहाँ पे दूसरा जो है 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स मांगा हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, यहाँ पे लेवल 2 की सैलरी है, 2 पोस्ट है, मैट्रिक यानी कि 10th पास है, साथ में ITI किया हुआ है, तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिफ्ट मैकेनिक की बात करें तो मैट्रिक पास है और ITI इलेक्ट्रिक ट्रेड में, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला है आपका पेंटर ऑटोमोबाइल की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए लेवल 4 की सैलरी है, 1 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई, 10th पास है, ITI साथ में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन की बात करें लेवल 4 की सैलरी, और यहाँ पे देख लीजिए 2 ईयर्स का ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग कोर्स आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा आपने किया हुआ है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वर्क सुपरवाइजर की बात करें यहाँ पे लेवल 2 की सैलरी है, 2 पोस्ट है, इसके लिए 10th प्लस ITI आपका यहाँ पे मांगा हुआ है रिस्पेक्टिव ट्रेड में। अगली पोस्ट है टेक्नीशियन की, इसमें लेवल 4 की सैलरी आपको मिल जाएगी, BSc अगर आपने किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मेडिकल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। अगली पोस्ट है टेक्नीशियन की जो कि थिएटर ग्रुप में है, लेवल 4 की सैलरी है, यहाँ पे 24 पोस्ट है, अगर आपने BSc थिएटर टेक्नोलॉजी में किया तो अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है टेक्नीशियन प्रोफेशनिस्ट की, इसमें लेवल 4 की सैलरी है, यहाँ पे देख सकते हैं BSc अगर आपने इसमें किया हुआ तो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन की बात करें तो लेवल 4 की यहाँ पे देख लीजिए, BSc इसमें भी मांगा हुआ है, तो बाकी डिटेल इसी तरह चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। जूनियर आर्टिस्ट की बात करें तो यहाँ पे BA चाहिए और 10+2 चाहिए। ठीक है, तो आप डिटेल में यहाँ पे काफी सारे पोस्ट निकाले गए हैं, तो यहाँ पे सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई। ठीक है, अगर जूनियर इंजीनियर तो केमिकल इंजीनियर अगर आपने BA BTEC में किया तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी असिस्टेंट कुक की यहाँ पे देख लीजिए 10+2 यानी 12 पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है। बाकी इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं और भी वैकेंसी को दिया हुआ है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके पूरा यहाँ पे डिटेल में पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे आ जाएगा, रिक्रूटमेंट 2020 पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएगा और अप्लाई लिंक डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट आप इसी पेज पे आके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए डिटेल में सारा चीज़ दिया हुआ कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन ये सब करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिंपली क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडो खुलेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, साइनअप करना होगा। ठीक है, साइनअप करना होगा अगर कोई अकाउंट नहीं है तो, और यहाँ से अपना email ID और एक यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करके और साइनअप यहाँ से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे साइनअप हो जाएगा, फिर आप जो है लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पे साइन इन करके और लॉगिन करके यहाँ से फॉर्म को अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।